हेलो डियर मॉम्स एंड डैड्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। रिसेंटली मेरी एक न्यू मॉमी से बात हो रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि वो जरा कंफ्यूज्ड है इस बात को लेकर कि वो अपने बेबी को कैसे ब्रश करवाए, कौन सा सही तरीका है और अगर बेबी राजी ना हो तो कैसे उसे मनाए। तो उन्हीं के क्वेरी पे बेस्ड आज का मेरा ये वीडियो है जिसमें मैं आपसे ओरल एंड डेंटल हाइजीन फॉर किड्स के बारे में बातें करने वाली हूँ। जो भी बातें मैं करूंगी वो मेरी अपनी एक्सपीरियंसेस के आधार पर होंगी क्योंकि मैं एक ट्विन मॉम हूँ और मेरे बच्चे अभी टॉडलर्स हैं अराउंड 2 इयर्स एंड 8 मंथ्स के। मैं अपने इस ट्विन पेरेंटिंग की 2.5 ईयर ओल्ड जर्नी से ये तो समझ चुकी हूँ कि चाहे कितना भी पता हो पेरेंट्स को अबाउट ओरल एंड डेंटल हाइजीन, बच्चों को कभी कभार इस पे राजी करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मेरा जियान तो शुरू से काफ़ी एंथुजियास्टिक था अबाउट ब्रशिंग टीथ, मतलब जब से समझदार हुआ है उसे एक्साइटमेंट होती थी कि चलो ब्रश करने चलते हैं। वहीं द अदर ट्विन वियान वॉज टोटली रिलक्टेंट अबाउट ब्रशिंग हिज टीथ। तो मुझे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं इन 2.5 ईयर ओल्ड जर्नी में जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आई फील न्यू पेरेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस जर्नी के बारे में कि कैसे आप डेंटल हाइजीन के हैबिट्स अपने बच्चों में इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि मेरे वियान को ब्रश करवाने का जो प्रोसेस रहा वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए, लेकिन इस दौरान मुझे या मेरे जैसे दूसरे पेरेंट्स जो इस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो डेंटल हाइजीन या ओरल हाइजीन के हैबिट्स है, जितनी जल्दी आप ये अपने बच्चों को समझा सके सिखा सके उतना ही उनके लिए बेहतर है और यही आदत उनकी पूरी ज़िंदगी चलने वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अपने बच्चे के ओरल हाइजीन को मेंटेन करवा पाएं तो उनके मुंह से बदबू आने के चांसेस और उनके दांतों में कैविटी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा अच्छे डेंटल हेल्थ से उनकी स्पीच डेवलपमेंट में भी आसानी होती है। रिसर्च में पाया गया है कि जो डिकेड बेबी टीथ होता है वो बच्चे के न्यूट्रिशन के साथ साथ उनके स्पीच डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी इंटरफेरेंस डालता है। इसके अलावा आपके इन्फेंट या आपके टॉडलर के जो मिल्क टीथ है वो उनके परमानेंट टीथ के लिए गम्स और जॉ दोनों को ही तैयार करवाता है। तो अगर आपके बच्चों के गम्स में कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, वो साफ सुथरे और हेल्दी होंगे, इससे आपके बेबी के दांतों की जो अलाइनमेंट है वो भी सही रहेगी। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्स के अनुसार आपको अपने बच्चे का ओरल हाइजीन उनके इन्फेंसी से रखना शुरू कर देना चाहिए। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे पीडियाट्रिशियन के बताए अनुसार हर दिन सुबह और शाम मैं अपने बेबी के गम्स को क्लीन करती थी इवन बिफोर इरप्शन ऑफ देयर टीथ। आप क्या कर सकते हैं, इधर एक कॉटन ले सकते हैं या कोई सॉफ्ट कॉटन क्लोथ ले सकते हैं, वॉश क्लोथ ले सकते हैं और उसे बस पानी में थोड़ा सा गीला करके मॉइस्चर करके अपने बेबी के गम्स को क्लीन कर सकते हैं। लिप्स के अंदर वाले एरियाज को भी साफ करना ना भूले क्योंकि वहाँ पे भी बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा होते हैं। सुबह और शाम ऐसी एक डेंटल हाइजीन की रूटीन अगर आप इन्फेंसी से शुरू कर दे इवन बिफोर कि बच्चे का कोई दांत निकला हो, इससे उनको एक आदत हो जाती है इस डेंटल हाइजीन प्रैक्टिस की और आगे जाकर ये ब्रश करने में शायद उनको रिलक्टेंट फील ना करवाए। इसके आगे जैसे ही बेबी का पहला दांत इरप्ट होता है आपको उसी दिन से ब्रशिंग की आदत उसे डालनी चाहिए। ब्रशिंग से मेरा मतलब कोई बड़ा ब्रश लेके ब्रश करना नहीं है, बल्कि आप एक फिंगर ब्रश या फिर एक वॉश क्लोथ या डैम्प मॉइस्चर कॉटन क्लोथ से उसके दांत को क्लीन कर सकती हैं क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्लैक फॉर्मेशन काफ़ी कम एज से होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ बाकी गम्स और बेबी के लिप्स के नीचे की एरियाज को भी आप साफ करें जैसे आप इसके पहले कर रही थी। अगर मैं
अपनी बात कहूँ तो जब तक मेरे बच्चे 1.5 साल की उम्र के नहीं हो गए थे तब तक मैंने कोई टूथपेस्ट यूज नहीं किया था। बस फिंगर ब्रश की जगह मैंने अब धीरे धीरे जो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले बेबी टूथब्रश होते हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे जब मैं उनके दांतों को साफ करती थी तो वो बाइट करने लगे थे, सो इट यूज्ड टू हर्ट मी एज वेल। और मुझे लगा कि धीरे धीरे मुझे उनका प्रोग्रेशन करना ही है जब बेबी ब्रश में, तो अराउंड 1 year and 2-3 months के आसपास से मैंने उनका एक बेबी ब्रश ले लिया था और इससे मैं उनके दांतों को साफ करती थी। इस दौरान भी फिंगर ब्रश हो या टूथ ब्रश हो उसको मैं बस पानी से मॉइस्चर करती थी और फिर उनके दांतों को नॉर्मल जैसे ब्रश करना होता है वैसे ब्रश करती थी जितने भी दांत तब तक निकले थे। इस दौरान उनको मैं खुद स्पिट करके भी दिखाती थी और उनको कहती थी कि स्पिट करो, दो उनको तब नहीं आता था ढंग से स्पिट करना, बट धीरे धीरे देखते देखते वो सीख गए। वैसे तो छोटे बच्चों के लिए जो टूथपेस्ट आते हैं उनको अगर वो निगल भी जाए तो इससे उनको कोई हार्म नहीं होता, लेकिन जब करेक्ट प्रोसीजर है स्पिट करना आफ्टर ब्रशिंग तो वो उन्हें धीरे धीरे करके सिखाना जरूरी है। इट टेक्स टाइम, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसके लिए मुझे लगता है सबसे ब्रिलियंट वे है कि आप खुद ब्रश करके स्पिट करके उन्हें दिखाएं, जो मैं हमेशा करती हूँ अपने बच्चों के लिए अभी भी। इनफैक्ट इससे क्या होता है वो जो करेक्ट टेक्निक है खुद ब्रश करने की वो देखकर सीखते हैं, बिकॉज आई बिलीव दैट बच्चे सबसे ज़्यादा अच्छे से कॉपी कर लेते हैं अपने पेरेंट्स को। और अगर आप उन्हें एक सही राह दिखाएं चाहे वो कोई भी स्फीयर हो उनके लाइफ की वो उसे कॉपी ज़रूर करेंगे। जब 1.5 years के अराउंड हो गए मेरे बच्चे तो मैंने उन्हें टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया, बेबी टूथपेस्ट अराउंड अ ग्रेन के साइज का जो कि काफी कम होता है, ये ही रिकमेंड करते हैं आपके डॉक्टर्स भी। मैंने भी वैसा ही किया, अभी भी वो उतना ही टूथपेस्ट यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वियान काफी रिलक्टेंट होता था और खासकर जब से मैंने टूथपेस्ट यूज करना शुरू किया वो थोड़ा तो एक्साइटेड होता था, बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ द फ्लेवर ऑफ द टूथपेस्ट, मुझे नहीं पता। इसके आगे मैं क्या करती थी, उसे एक मिरर के सामने रखती थी जिसकी वजह से वो अपना मुंह आ करके अच्छी तरह खोलता था और मैं प्रॉपरली ब्रश कर पाती थी। कभी कभार वो ये भी अलाउ नहीं करता था तो मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करती थी, जैसे उसे कोई टैप खोलने के लिए अलाउ कर दिया, मैं कुछ उससे बातें कर रही हूँ और इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच में उसके दांतों की सफाई कर लेती थी। इसके अलावा वियान को मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियोज भी दिखाए बच्चों के ब्रश करते हुए और उसे कहा कि अच्छे बच्चे हमेशा ब्रश करते हैं, इससे भी वो थोड़ा इंस्पायर जरूर हुआ। जियान की एग्जांपल देकर भी मैं उसे हमेशा कहा करती थी कि देखो भैया कितने अच्छे से ब्रश कर रहा है तो तुम्हें भी ब्रश अच्छे से करना चाहिए। इसके आगे मैंने उसके फेवरेट कलर येलो कलर का एक ब्रश लाके दिया, इसके बाद उसकी काफी एक्साइटमेंट होती थी ब्रश करने की, तो फिलहाल वो ढंग से अच्छे से अलाउ करता है मुझे कि मैं उसे ब्रश करवाऊँ। थोड़ा थोड़ा मैं उसे इंडिपेंडेंटली भी करने के लिए देती हूँ। बच्चे अक्सर, मैं हर वीडियो में कहती आ रही हूँ कि थोड़ा इन कंट्रोल जब फील करते हैं, उन्हें लगता है कि एक सिचुएशन उनके कंट्रोल में है तो वो बेटर फील करते हैं, तो इसीलिए उनको भी ब्रश दे देती हूँ थोड़ी देर के लिए, वो कर लेते हैं फिर मैं अच्छे से ब्रश करवा देती हूँ। तो आप भी ऐसे कुछ छोटे मोटे आइडियाज फॉलो कर सकती हैं, क्या पता आपके बेबी के लिए भी ये वर्क कर जाए। द वे इट वर्क्ड वेल फॉर मी। अभी मेरे बच्चे 2 साल और 8 महीने के हैं और मेरा जियान आराम से ब्रश करने के बाद स्पिट कर लेता है, कुल्ला भी कर लेता है अच्छे से, जबकि वियान की बात कहूँ तो ब्रश कर लेता है स्पिट कर लेता है लेकिन अभी उसे कुल्ला करना नहीं आया है। तो मैं क्या करती हूँ, इधर अपनी फिंगर से या फिर किसी वॉश क्लोथ से उसके दांतों की एक बार सफाई कर लेती हूँ वंस ही स्पिट्स, उसके बाद वो फिर से स्पिट करता है। तो इस तरीके से फिलहाल हम ट्राई कर रहे हैं, उसे मैं सिखा रही हूँ कुल्ला कैसे करना होता है, आई गेस कुछ दिनों में वो ये भी सीख जाएगा। शुरू में मैं उन दोनों को अपने लैप पर बिठाकर ही ब्रश करवाती थी और उनके हेड को अपने चेस्ट के बल लगाकर और एक हाथ को उनके चिन के नीचे पकड़ के इस तरीके से करती थी। अब वो थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनको खड़ा करके मैं उनके पीछे खड़े होके ब्रश करती हूँ, थोड़ी आदत भी हो गई है उनको तो उनको पता है उनको अपने मुंह को कैसे रखना होता है ब्रशिंग के वक्त, तो आप भी ऐसे ही ब्रश करवा सकते हैं। छोटे छोटे स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट्स में ब्रश करवाएं, ज़्यादा हार्शली ना करवाएं,
ध्यान रखिए ब्रश का ब्रिसल्स काफी सॉफ्ट होना चाहिए। अंदर के दांतों को पहले साफ करें, उसके बाद सामने के दांतों को साफ करें। ब्रश को 45 डिग्री एंगल में रखें ब्रश करते वक्त, और उनके जीभ को भी टंग को भी काफी जेंटली ब्रश कर सकते हैं आप। और फिर इसके आगे बच्चे को कहें कि वो स्पिट करें और फिर कुल्ला करें। टूथब्रश को अच्छे से धोकर उसे सुखाना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उसमें भी कुछ बैक्टीरिया पनप जाए। तो 4 से 5 महीने के बाद आपको बेबी के टूथब्रश को बदलना भी चाहिए। सो दैट उनका एक्साइटमेंट बना रहे, उनसे पूछिए कि उनको किस कलर का ब्रश चाहिए, या फिर काफी कार्टून कैरेक्टर्स वाले ब्रश भी आते हैं। तो जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ेगी, उनकी अपनी एक चॉइस होगी, तो उस हिसाब से उन्हें सामान लाकर दे, ताकि उनका इन प्रॉपर अच्छे आदतों की तरफ जो झुकाव है वो बना रहे, और वो अच्छे से अपनी ओरल और डेंटल हाइजीन मेंटेन रखा करें। पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि 3-4 साल की उम्र तक बच्चों को अंडर सुपरविजन ही ब्रश करवाएं, क्योंकि उनको अभी अच्छे से समझ नहीं होती किस तरीके से ब्रश करना चाहिए। डजंट मीन कि आप उनको इंडिपेंडेंटली ब्रश हैंडल करने के लिए देंगी ही नहीं, थोड़ा सा दें उन्हें कि खुद से ब्रश करें, फिर आगे आप अच्छे से उनकी ब्रशिंग करवाएं सुबह और शाम। और हमारे पीडियाट्रिशियन ने ये कहा था कि 2 ईयर्स के बाद बच्चों को रात को दूध नहीं अलाउ करना चाहिए। मतलब पहले मेरे बच्चे मिडनाइट भी कभी कभी दूध के लिए पूछते थे, बट आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ एज मैंने उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग से भी वीन करवा दिया, इसी रीजन के लिए कि डेंटल हेल्थ खराब ना हो जाए। और डॉक्टर ने भी स्ट्रिक्टली कहा था कि काउस मिल्क हो या फॉर्मूला मिल्क, वो भी आपको रात के टाइम नहीं देना चाहिए। मतलब वो अगर डिनर टाइम के बाद मिल्क ले रहे हैं फाइन, उसके बाद आप उन्हें ब्रश करवा के सुला दें, बट मिडनाइट या फिर मॉर्निंग सुबह ब्रश करने से पहले उन्हें मिल्क ना दें। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साथ साथ डेंटल हेल्थ भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। बचपन में कैविटीज की वजह से जो पेनफुल डॉक्टर विजिट्स मुझे करने पड़े थे, मुझे आज भी याद है। आई फील ये इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा के बार बार कहने पर भी डिनर के बाद ब्रश करने से मैं काफी कतराती थी, क्योंकि हम एक ऐसे प्लेस पे थे जहाँ बहुत ठंड थी। तो मैं नहीं चाहती वैसा ही कुछ पेनफुल सिचुएशन मेरे बच्चों के साथ भी हो। डेंटल कैविटीज और कैरीज एक काफ़ी पेनफुल होता है, और अगर आपको बचपन में ही दांत निकलवाने के लिए या दांतों के कुछ इश्यू के लिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़े, तो इससे ज़्यादा बुरा आई डोंट फील कुछ हो सकता है। हो सकता है मेरे व्यायाम की तरह आपके बच्चे भी रिलक्टेंट हो ब्रशिंग के लिए, लेकिन याद रखिए पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड परसिस्टेंस। तो आपको पेशेंस रखना होगा, अच्छी आदत डलवाने के लिए टाइम लग सकता है, बट डटे रहे और अपने बच्चे के स्पार्कलिंग स्माइल के लिए इतना तो करना बनता है। ऐसे ही पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, ट्विन मोमेंट्स के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, इससे आपको मेरे वीडियोस की जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। सी यू सून विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।